दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा और आज मैं हूँ बीकानेर के मुख्य हृदय स्थल पे कोट गेट पे। और ये कोट गेट बीकानेर का प्रमुख बाजार है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत बात भी है कि इस मुख्य बाजार में से बीकानेर से रेल लाइन निकलती है और इस रेल लाइन पे लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। और इस ट्रैफिक जाम के बीच में से ट्रेनें निकलना एक बड़ा ही कौतूहल का विषय है सभी फॉरेनर्स के लिए, सभी लोगों के लिए। और ये जो ट्रेन बैकग्राउंड में आ रही है, ये है 4708 दादर से चलकर बीकानेर आने वाली रणकपुर एक्सप्रेस, जो कि दादर से कल 12:35 पे दोपहर को चली थी और बीकानेर 11:30 आती है। परंतु ये आज बिफोर है, आई शिफ्ट के कोचेज हैं। एक शानदार गाड़ी है लंबी दूरी की, ये बीकानेर पहुँच रही है। प्लेटफार्म नंबर मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 पर पहुँच रही है। और ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये है दादर, जो दादर से चलकर बीकानेर को आने वाली रणकपुर एक्सप्रेस है 4708। हम दूसरी गाड़ी को लेने आए हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में ये दिखाई जो दे रहा है WDP4229KJM का कृष्ण राजापुरम का लोको है, बहुत ही शानदार ब्लेड ब्लू। और इसके बीच में खड़े हैं ट्विन एल को, जो कि आज इस गाड़ी को 9720 को लेके जाने वाले हैं। और एक बहुत ही अच्छी हॉकिंग चुगिंग और स्मोकिंग का आनंद आप लीजिए। आज की जो ट्रेन है ये है 09720 जो कि सूरतगढ़ से जयपुर की ओर जाने वाली फास्ट पैसेंजर है। ये सूरतगढ़ से 7:35 पर चली है और 8:55 शाम को रात को ये जयपुर पहुंच जाएगी। आज इसी ट्रेन की हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें आज ट्विन एल को लगा हुआ है।
शर्मा, आज हमने आपको पैसेंजर फास्ट पैसेंजर दिखाई है। कमेंट के माध्यम से अपने अमूल्य विचार मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं, उसका मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।